जो भी चाहिए Z5 ऐप पर, बस Z5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। देखिए मेरी लाइफ में इतनी कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। पर मैं नहीं चाहती कि आप इस सब उलझनों में पड़ो। आपने ऑलरेडी बहुत कुछ किया है मेरे लिए, बस एक लास्ट फेवर कर दीजिए प्लीज। क्या? मुझे डिवोर्स दे दीजिए। वेदांत चलो भाई रस्में नहीं करनी। मैंने वेदांत से ऑलरेडी डिवोर्स की बात कर ली है। मैंने अपना हर कदम सिर्फ राहुल के साथ ही देखा है। अगर जिंदगी उसके बिना सोची ही नहीं तो फिर अकेले आगे कैसे बढ़ जाऊं? तो क्या उसे अकेले ढूंढ पाऊंगी? पर मैं अकेली कहां हूं? राहुल का प्यार है ना मेरे साथ। आई नो प्यार समझ में नहीं आता लेकिन ताकत बहुत देता है, और जितनी ताकत देता है एक इंसान को उतना ही कमजोर बना देता। मैं करूंगा मदद तुम्हारी राहुल को ढूंढने में। अगर इसने पलट कर देखा तो ये तेरे साथ घर वापस लौट कर जरूर आएगी। पलट ध्रुवा पलट। कैसे क्या हालात हुए कि राहुल शादी पे नहीं आ पाए? ऐसी क्या वजह थी कि अभी तक एक फोन नहीं कर पाए? इन सब सवालों के जवाब अभी देने होंगे राहुल को। पूर्वा मेरे दिमाग में राहुल के खिलाफ डाउट पैदा करने की आप कोशिश भी ना करें तो अच्छा। एंड आई नो आप ये सब क्यों कर। देखिए डॉक्टर वेदांत, एक बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, ना मैं इस शादी को मानती हूँ और ना ही मैं आपके साथ वापस आने वाली हूँ। इनमें से कोई सा भी नंबर राहुल का नहीं है, इसलिए मैं सुबह राहुल के कॉलेज में गया उसके प्रिंसिपल से मिलने। He's a nice man, you know. Nice man, तो कुछ nice man, तो राहुल का एड्रेस दे दिया। पूर्वा, मैंने और मेरी वाइफ ने दो कमरे बुक किए थे साइड बाय साइड। हम कहीं बाहर गए थे, उसके बाद मैं अपने रूम पे कैसे पहुंचा और दूसरे रूम में एक लेडी क्यों है? Where's my wife? साइड बाय साइड रूम, आपकी वाइफ? सर आपने अकेले चेक इन किया है, आपके नाम से एक ही बुकिंग है सर। लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप कहे तो आपके लिए पागल समझाए। तो कुछ बोलेगा मैं मान लूंगा। पूर्वा को कुछ हो गया ना दादी, मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगा। जो प्लान चेंज कर दिया उस गधे का फोन आता ही मैं समझ गया था कि जरूर बड़ा कोई झोल है। बस पूर्वा, अगर तुम्हें वापस लौट कर आना है तो लिफाफे में रखे कागज को फाड़ देना, नहीं तो अपनी जिंदगी वैसे ही जीना जैसे तुम जीना चाहती थी। आपका फोन है। तेरी दादी ने मर ही जाना था। कैसी बातें कर रही हैं आप? और कैसी बातें करूं? अच्छा वो सब छोड़, मुझे ये बता कि तू कैसा है और पूर्वा? हम दोनों ठीक हैं दादी, पूर्वा मेरे साथ ही है। मुझे पता ही था कि सब ठीक ही होगा। अभी जो काम यहाँ पे करने आया था वो सब खत्म, काफी टाइम वेस्ट हो गया ना, वहां मेरे पेशेंट्स को मेरी जरूरत भी है। अब यहां से चलता हूं दादी। पूर्वा तेरे साथ आ रही है ना?
पता नहीं। पता नहीं? ऐसे कैसे पता नहीं, तो किसे पता होगा? अब भी इस लड़के के दिमाग पे लगा ताला खुला नहीं है। अरे बुढ़िया तो चुप कर, हमेशा शोर शोर शोर। मैंने कहा ना मेरा वेदांत सब संभाल लेगा। नहीं नानी मौसी, जो खुद ठीक नहीं होना चाहता उसे ठीक करने का बोझ अब डॉक्टर वेदांत पे मत डालिए। आप दीजिए फोन, मैं डॉक्टर वेदांत से बात करती हूँ। हेलो डॉक्टर वेदांत, हेलो मैं पंकु। फोन काट दिया, शायद लाइन कट गई होगी, शायद बोझ ज्यादा पड़ गया। नानी मौसी, वेदांत मैं अब वेदांत मुझे आपसे बात करनी है। आई एम सॉरी, यही सुनना चाहते थे ना? आई एम रियली सॉरी कि मेरे वजह से आपका इतना कीमती वक्त बर्बाद हुआ है। लेकिन एक बात बताइए आप मुझे, मैंने आपको इनवाइट किया था यहाँ पे मेरे साथ आने के लिए, नहीं ना? पता है आपकी प्रॉब्लम क्या है? जहाँ आपसे हेल्प मांगी जाती है वहाँ अपना एथिक्स का एक बड़ा सा बोर्ड मेरे सामने कर देते हो, और जब नहीं मांगी जाती है तो आप खुद कूद जाते हैं लोगों की हेल्प करने के लिए। महान बनने का बहुत ही शौक है ना आपको, महानता के सारे अवार्ड आप ही को चाहिए, है ना? और ये क्या तरीका हुआ, मैं बात कर रही हूँ ना आपसे, आप अभी बाहर आई, और आप ऐसे मुझे इग्नोर करके क्या प्रूफ करना चाहते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती है? I was kidnapped, God damn it. वहाँ पे मेरे साथ कुछ भी हो सकता था, मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती थी वेदांत। पर अभी तक तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो कुछ भी हुआ उसमें राहुल का क्या कनेक्शन था, और आप बस ये प्रूफ करने की कोशिश करते हो कि मैं इस दुनिया की सबसे बड़ी इडियट। बट यू नो वॉट वेदांत, आप अपने पेशेंट्स की चिंता करने का ना बस दिखावा करते रहते, उनकी फीलिंग्स को समझने की बातें करते रहते, बट आप तो कभी मेरी फीलिंग्स को समझ ही नहीं पाए। अगर कभी किसी से प्यार किया होता ना तब शायद समझ जाते आप। और वैसे भी मुझे क्या पता कि आप अचानक से ऐसे दानवीर कर्ण बनकर मेरी हेल्प करने के लिए यहाँ तक आ जाएंगे, क्या इंटेंशंस थे आपके? ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको ये लगा होगा कि आप इस लड़की की हेल्प कर देते, आगे जाकर शायद वो बहुत इजीली मेरे साथ मेरे घर वापस आ जाएगी, राइट? रॉन्ग। इस इतने बड़े यूनिवर्स में कितने सारे प्लैनेट्स? इतने सारे प्लैनेट्स में हमारा एक छोटा सा प्लैनेट। उस छोटे से प्लैनेट के एक छोटे से देश के एक छोटे से शहर के अंदर बैठ के तुम अपने आप को कितनी इंपॉर्टेंस दे रही हो पूर्वा? हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग। आपके दादी, इनफैक्ट सारे लोग ये बोलते हैं कि आप राम हो, लेकिन मैं सीता नहीं, मैं आज की लड़की हूँ। और आप ही ने ये लिखा था ना कि जब रिश्ते बोझ बन जाते हैं तो उसे निभाने में कोई महानता नहीं होती, तो फिर ये रिश्ता जो हम निभा नहीं सकते आप उसको कैसे हैंडल करोगे? मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, हाफ प्रॉपर्टी मेरे नाम करने का झूठा प्रॉमिस कर रहे हो। तुम मुझसे वो सब करवाओगे जो तुम चाहते हो और मैं शायद मान भी जाऊँ, लेकिन एंड ऑफ द डे मेरे हाथ कुछ भी नहीं है। नहीं मोनिशा, तुम्हारे हाथ में बहुत कुछ आएगा, क्योंकि लूथरा परिवार की बहू को कोई मना नहीं कर सकता। कानून के नजरों में तेरा मेरी डॉटर है, तुम क्या जानते हो क्या नहीं जानते उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्रज्ञा से मैं प्यार करता हूँ और प्रज्ञा से शादी करूंगा बहुत जल्द। खाद होती है, कितना बर्दाश्त करूँ मैं, इसलिए खत्म करना चाहता हूँ मैं दिल और दिमाग की लड़ाई को। कुछ हुआ है आपके साथ, किसी ने कुछ कह दिया आपसे? प्रज्ञा किंग से शादी करनी चाहिए। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए, आ पहुंची है गुड्डन अपने परिवार के साथ गणतंत्र दिवस की खुशियां मनाने, अनजान एक आने वाले बड़े खतरे से। अब कैसे गुड्डन अक्षत मिलकर बचाएंगे लाखों लोगों की जान, जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा के गणतंत्र दिवस स्पेशल एपिसोड्स। भगवान को साक्षी मानकर तुम्हारे नाम का सिंदूर अपने मांग में भरने जा रही हूँ शांतु, आज के बाद तुमने अगर मुझे अपने भाई के पास भेजा तो समझ लो कि पति होकर तुम मुझे
किसी गैर मर्द के पास भेज रहे हो। क्या शान अपने प्यार और शादी को कबूल कर पाएगा या नहीं, जानने के लिए अगला एपिसोड मिस मत कीजिएगा।